हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये फुल मून से पहले के आपके पर्सन की एनर्जी क्या है उसको चेक करने वाले हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फुल मून से पहले किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? लेट्स सी फुल मून से पहले आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, किस माइंडसेट में है, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशंस है उनकी आपसे, आपको लेकर। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मलिशियस का है। What more? फिर है यहाँ पे perspective, फिर यहाँ पे है, बहुत सारे कार्ड्स आए थे इतने नहीं लूँगी मैं। ओके, तीन कार्ड्स आए हैं, अगेन द सेम। मैं भी एक काम करती हूँ, मैं खुद निकालती हूँ कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ नहीं चाहिए हमें। ओके, अडोरेशन, एंग्री, रिजेक्टेड, लास्ट कार्ड जो है वो है प्लेफुल का। ओके, एंड बॉटम डेक में डिसगस्टेड की एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे। देखिए, जितना आप फोकस अपने पार्टनर पे रखोगे उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, मलिशियस ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मलिशियस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड। पर्सपेक्टिव को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। एट ऑफ वॉन्ड्स, अडोरेशन की एनर्जी क्यों है? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एंग्री की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, रिजेक्टेड की एनर्जी क्यों है? टावर कार्ड, प्लेफुल क्यों है यहाँ पे? जजमेंट, एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स। ओके, एक चीज़ तो मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस थे या उनके लाइफ में चॉइसेस थे आपके सिवा, मतलब अगर वो कहीं अट्रैक्ट हो रहे थे या किसी को मौका दे रहे थे या उनको कोई अपने तरफ खींच रहा था, एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो भी था आपके रिलेशनशिप में, या कन्फ्यूजन जो भी थी, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर ये एक बदलाव मैं देख रही हूँ कि अब उन्हें घिन आने लगी है। मतलब अब वो मे बी पास में वो टाइम पास के लिए किसी के साथ रहते थे, सीरियस रिलेशनशिप में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, परेशान हो गए हैं वो, और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक कोई उनकी ज़िंदगी में आए। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी थी या बहुत फीमेल फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स, या हमेशा घिरे होते थे, ऑप्शंस हुआ करते थे उनके पास। नाउ दे फील लिटरली डिसगस्टेड, उन्हें घिन आने लगी है कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे एक ही पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, ये सब मुझे नहीं करना है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो चीज़ें इन्हें पहले अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, या जो चीज़ें लार्जर देन लाइफ लग रही थी, मतलब होता है ना कई बार थर्ड पार्टी को लेकर, या उनके सपोज़ थर्ड पार्टी भी अगर रोमांटिक नहीं थी आपके केस में, अगर उनके फ्रेंड्स उन्हें कुछ बोल रहे हैं या उनकी फैमिली अगर उनको कुछ किसी भी तरह से अगर इन्फ्लुएंस्ड थे आपके पर्सन और उन्हें लगता था कि आप गलत हो और बाकी पूरी दुनिया सही है, तो वो भी उनकी सोच बदली है कहीं ना कहीं। अब उन्हें हर एक के ऊपर शक आने लगा है कि इसी इंसान की वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हुआ,
इसी पर्सन ने हम दोनों के बीच में रुकावटें पैदा करी है या ब्लॉकेजेस क्रिएट करी है। सो अब वो रियलिटी के साथ जी रहे हैं, क्लियर माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, वो लोगों पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अब वो अगर वो कम्युनिकेशन से भाग रहे थे या उन्हें अगर ऐसा लग रहा था कि जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं कुछ ना कुछ उलट पुलट होते रहता है, कुछ ना कुछ सिचुएशन बिगड़ जाती है, और अगर भाग रहे थे, इग्नोर कर रहे थे कम्युनिकेशन करने से, लेकिन तो अब मुझे लग रहा है कि उनका वो नज़रिया भी बदल चुका है। नाउ दे वांट टू कम्युनिकेट, अब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अब वो सिचुएशन को बड़ी मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हैं, अब वो कम्युनिकेशन करने से भागना नहीं चाहते हैं। सो अगर आप देखिए, अगर इनका मैसेज नहीं आ रहा है ना, और अगर आप खुद इन्हें मैसेज करोगे ना, आप देखोगे कि आपको रिप्लाई कर रहे हैं। सबके साथ नहीं होगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई आ जाए, जो इंसान कभी रिप्लाई नहीं दे रहा था इस फुल मून के आसपास, मे बी उनका रिप्लाई आ जाए आपको। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो इंसान आपके जिस क्वालिटी के लिए आपसे दूर गया, उसे अगर लग रहा था कि आप ही उसके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी ला रहे हो, या आपके और उनका रिश्ता टिक नहीं पाएगा या आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर किसी वजह से इनके मन में आपके लिए बहुत खटास भर गई थी, नाउ आई सी उनके नज़रों में मुझे आपको लेकर टोटल चेंज्ड पर्सपेक्टिव दिख रहा है। वो अब आपको अडोर करते हैं, उनको अब आप पसंद हो बहुत ज़्यादा, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। सो क्या हुआ ना कि अगर सेपरेशन आया आप दोनों के बीच में तो इट वॉज़ फॉर द गुड। इस सेपरेशन के बाद उनका प्यार, उनकी अट्रैक्शन आपके लिए और बढ़ती गई। आई कैन ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू कि अभी ये पर्सन अपने आप को थोड़ा समझ रहे हैं, अपने आप को थोड़ा शांत कर रहे हैं। हो सकता है कि इस फुल मून के आसपास काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे हो उनको, मे बी उनके आसपास के लोग जो उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे ट्रिगर मिल रहा है। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल होता है, कभी कभी पैसों की वजह से भी इंसान गुस्सा करने लगता है, एंग्शियस हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुके हैं, और इसीलिए भी ये टाइम ले रहे हैं टू ऑफर एनीथिंग टू यू। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, सच बताओ ये पर्सन पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, वो अपने आप को, आपको या किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इतना बुरा ब्रेकअप हुआ है या इतनी बुरी सेपरेशन हुई है और इतनी अचानक हुई है कि अब वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो रीच आउट करते हैं तो यू माइट रिजेक्ट देम, और आपका रिजेक्शन वो नहीं सह पाएंगे। ओके, सो या एंड ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कि वो ना इस रिश्ते को फेयर चांस देना चाहते हैं। हाँ, आपके ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, आपको कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो दोस्ती तो वो दोस्ती भी रखने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हो कि वो पहले से शुरुआत करे आपका दिल जीतना, आपको इम्प्रेस करना, अपनी लॉयल्टी प्रूव करना, आपके मन में अपने लिए प्यार और ट्रस्ट जगाना, सो दे विल डू दैट। तो इट्स लाइक आपको यूनिवर्स की तरफ से एक कह लो एक तोहफा है ये आपके पर्सन के रूप में, कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे और बहुत ही लाइट एनर्जी में आएंगे। ओके, कोई बैगेज लेकर नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं कि और क्या फीलिंग्स में बदलाव आए हैं इस पर्सन के। ओके, वाओ, दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सून सेकेंड चांसेस, बहुत जल्द हो सकता है ये पर्सन आपसे एक दूसरा मौका मांगे, आपसे अपने फीलिंग्स जाहिर करे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका चाहिए तुम्हारे लाइफ में आने का। कॉन्फ्लिक्ट्स और देखते हैं, पेशेंस रिवर्स में है, न्यू लव रिवर्स में है, सेपरेशन भी रिवर्स में है, एंड बॉटम डेक में है लिव द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट।
ओके लेट्स क्लैरिफाई. अभी तक जो मुझे सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे दिखे हैं वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओके, एंड टॉरस वृषभ राशि. सेकंड चांसेस और सून, ये दोनों कार्ड एक साथ क्यों आए हैं? किंग ऑफ कप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ बॉन्ड्स रिवर्स में है, पेशेंस क्यों है यहाँ पे? एट ऑफ कप्स, न्यू लव की एनर्जी क्यों है? द एम्प्रेस, सेपरेशन रिवर्स में क्यों है? टेन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक में है सेवन ऑफ कप्स. तो जैसे मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन ना तो पास्ट के बारे में सोचना चाहेंगे, ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहेंगे. बहुत ज़्यादा हियर एंड नाउ में इनकी एनर्जी रहेगी कि भाई कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, इसके लिए मैं आज ख़राब नहीं करना चाहता. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि ये ना सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना चाहते हैं. ओके, हियर एंड नाउ में जीना चाहते हैं. और जैसे मैंने बोला कि दे विल आस्क यू फॉर सेकेंड चांस. हो सकता है फुल मून से पहले या फुल मून के बाद या आसपास आप देखोगे कि बहुत जल्द, क्योंकि आ रहा है बहुत जल्द, तो न्यू फुल मून ही आ रहा है अभी, तो दे कैन आस्क, दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ओपन अप होंगे. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जिस तरह से आपसे बात करेंगे ना, काफ़ी ऊपरी ऊपरी बात करेंगे, मतलब बहुत डीप कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये फील भी होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल की बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है. ओके, किसी के वजह से अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी या फैमिली में कुछ अनबन चल रही थी किसी के, आप दोनों में से, तो मुझे वो सिचुएशन भी बेटर होते हुए दिख रही है. ओके, मैंने बोला ना ये पर्सन पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ना वो आपको परेशान करना चाहते हैं ना खुद परेशान होना चाहते हैं. तो कभी कभी ये क्या करते हैं, अगर इनको लगता है कि अभी बात करने की वजह से झगड़ा हो सकता है या माहौल बिगड़ सकता है, तो वो दूरी ही बनाते हैं या दूर ही रहते हैं. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इनको ऐसा भी महसूस होगा कि वो बहुत टाइम ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है, दे नीड टू कम बैक. ओके, उनके डिसीजन गलत था, बहुत वेट कर लिया और आपको वेट करा लिया. ओके, सो पेशेंस लेवल जैसे इनकी ख़त्म हो जाएगी एंड और दूर आपसे दूर दूर नहीं जाना चाहेंगे. जैसे मैंने आपको बोला कि इनको इनसिक्योरिटी भी है, इनको डर लगता है कि अगर इन्होंने आपको वक्त नहीं दिया, इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया, तो कोई और आके अटेंशन देगा, क्योंकि वो जानते हैं आप क्या हो. दिस सी यू एज द एम्प्रेस. ओके, लड़की लड़के की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे. ये एनर्जी देखो, पॉजिटिव, अबंडेंट, फर्टाइल, ब्यूटिफुल. ओके, सो ये आप ये जानते हैं कि अगर ये बहुत टाइम लेंगे तो समवन माइट टेक देयर प्लेस. तो अब मुझे लगता है इस फुल मून के आसपास उनको आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील होगा और वो नहीं चाहेंगे कि कोई और आके आपके पास, यू नो, एक रिलेशनशिप की शुरुआत आपकी किसी और के साथ हो. सो दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बहुत ज़्यादा. एंड ये जो सेपरेशन है, स्पेशली जो लोग सेपरेशन में हैं, उनके लिए ना ये सेपरेशन बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा. उनको लगेगा कि यार बहुत हो गया, यू नो, मुझे और दूर नहीं रहना है, मैं इस तरह से अगर रहूँगा तो मुझे खुद को ही बहुत तकलीफ़ होगी. सो दे विल रियलाइज़ कि सेपरेशन इज़ नॉट द गुड, नॉट अ गुड आइडिया. दे नीड टू कम बैक टू यू. ठीक है, वो इच्छा, वो आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, आई वॉन्ट टू कम बैक, इस तरह की एनर्जी. सो ओके, तो मैं आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड निकालती हूँ कि इस फुल मून से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है अबाउट दिस पर्सन और दिस कनेक्शन. सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है लाफ्टर. लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स. तो आपको हंसने के लिए, खुश रहने के लिए कहाँ जा रहा है? लो वाइब्रेशन में मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए. ठीक है, देखिए जितना आप हैप्पी रहोगे आपके पर्सन उतना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. दुखी रहोगे तो कोई नहीं आना चाहेगा आपके पास. नेक्स्ट है यहाँ पे आर्कएंजल माइकल. यूज़ दिस वर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड. तो आपको बोला जा रहा है कि सच्चाई का साथ दो, सच बोलो. एंड चाहे आपके पर्सनल लाइफ की बात हो या लव लाइफ की बात हो,
सच्चाई का साथ देना और सच्चाई के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है. ओके एंड लास्ट किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी विजन एंड पावर. तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है इस फुल मून के आसपास, और ब्लेसिंग्स होंगी मैजेस्टी की, विजन की और पावर की. एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो आर्कएंजल यूरियल है, बिकम अ पीस एम्बेसडर. तो आपको भी सुकून, आपको भी शांत रहना है, पीसफुल रहना है, एंड रिलेशनशिप में भी पीस ही अट्रैक्ट करना है. सो दैट वॉज इट. आई होप रीडिंग पसंद आई होगी. पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.